आगरा के थाना मलपुरा क्षेत्र के नगला बत्ता में आर मधुराज अस्पताल में भीषण अग्निकांड में 3 लोगों की दर्दनाक मौत के बाद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के दिशा निर्देश पर आगरा का स्वास्थ्य विभाग ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है। सीएमओ आगरा डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव के नेतृत्व में गुरुवार को 8 टीमों ने छापेमार कार्रवाई की थी, तो वहीं शुक्रवार को भी स्वास्थ्य विभाग ने ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी रखी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव के नेतृत्व में ACMO डॉक्टर पीयूष जैन के निर्देशन पर एक दर्जन से ज्यादा स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने जनपद आगरा छापेमार कार्रवाई कर रही है। CMO डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव ने साफ कर दिया है कि बिना निरीक्षण और मानक विरुद्ध अस्पतालों पर न केवल सीलिंग कार्रवाई की जाएगी बल्कि उनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत भी किया जाएगा। इस समय हम लोग ने जैसा कि निर्देश प्राप्त हुआ है, लोगों ने चिकित्सालयों को चिन्हित कर लिया, जहाँ पे कोई भी चिकित्सीय कार्य जैसे खासतौर से मरीज को भर्ती करने का वार्ड, OP, इस तरह की चीज़ें बेसमेंट में चल रही हैं। और इसके अतिरिक्त वहाँ पे जो भी अग्निशमन के जो भी लगी हैं उनका उनके पास प्रॉपर ऑडिट या कोई सर्टिफिकेट है कि नहीं। तीसरी चीज़ जो नियम है कि वो उनका भूभाग कितना बड़ा है, उसमें उन्होंने उतने बेड के अनुसार लगाया है, इसको भी हम लोग ध्यान में रखते हुए एक सर्वे करा रहे हैं। इसमें आज हमारी 20 टीमें लगी हुई और जो कल इनमें कार्रवाई भी की थी, हम लोग ने करीब 21 हॉस्पिटल में हम लोग गए थे, जिसमें से एक के खिलाफ FIR हुई, 4 को सील किया गया, उनको कुछ कुछ चिकित्सीय कार्य करने से रोका गया, और जिससे कि चिकित्सीय कार्य करने से रोका गया है और साथ में नोटिस भी दी गई है। स्वास्थ्य विभाग की छापेमार कार्रवाई में कई हैरान करने वाली बात सामने आई है। CMO आगरा डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव के नेतृत्व में लगी टीमों ने जब जांच पड़ताल की तो जानकारी में आया कि बिना रजिस्ट्रेशन के अस्पताल का संचालन किया जा रहा है, मरीजों का खून चूसा जा रहा है, हॉस्पिटल प्रशासन अवैध उगाही और जमकर वसूली कर रहा है, और साथ ही अस्पताल में मौजूद स्टाफ प्रशिक्षित नहीं है। NOC को लेकर दिक्कत है, उसको हम लोग बैठ के उच्च अधिकारी के साथ वार्ता करते हैं, जो भी 50 बेड से नीचे चिकित्सालय में क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए उसका एक बार बात करके इसको हम लोग व्यापक रूप से इम्प्लीमेंट कराएंगे। 50 बेड के ऊपर NOC की आवश्यकता अनिवार्य है, उसको देखते हुए जो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है उसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी महोदय द्वारा की जाती है, उसकी बैठक बुलाकर हम लोग जो इनको लास्ट नोटिस हमने दिए उस पर विचार करके सम्यक जो भी कार्रवाई करेंगे। और इसके अतिरिक्त IMA के द्वारा भी और सहयोग प्राप्त हो रहा है, उनके द्वारा भी चिन्हित किए जा रहे हैं डॉक्टरों को, मेरे द्वारा भी रजिस्ट्रेशन में जिन डॉक्टरों ने ज़्यादा हॉस्पिटलों में अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा उनकी सूची उनको दी है, करीब 62 चिकित्सालय और पैथोलॉजी हमने चिन्हित करा दी है। ताजनगरी आगरा की अगर हम बात करें तो ताजनगरी आगरा के यमुना पार इलाके में और नरीपुरा खेरिया मोड़ मलपुरा क्षेत्र हॉस्पिटलों का हब बना हुआ है। यहाँ फर्जी डॉक्टर की भरमार है, 10% के चक्कर में एम्बुलेंस चालक और हॉस्पिटल प्रशासन का गठजोड़ का अवैध व्यापार फल फूल रहा है। सहागंज के नरीपुरा और मलपुरा का नगला बुद्धा मुल्ला के प्याऊ इलाके में सबसे ज्यादा फर्जी अस्पताल है। डाल रहे हैं कि ऐसे चिकित्सक जो मल्टीपल चिकित्सालयों में अपना रजिस्ट्रेशन दे रहे हैं वो लोग बेटा करें, तो ऐसे अस्पताल जो दूसरे के नाम से चल रहे हैं वो भी बंद हो जाएंगे। और इसके अतिरिक्त उनके द्वारा भी झोला छाप डॉक्टर या जो अपंजीकृत चिकित्सालय चल रहे हैं उनकी भी सूचना प्राप्त होगी, जिन पर हम लोग व्यापक कार्रवाई करें। मरीजों और तीमारदारों की जान से खिलवाड़ करने वाले लोगों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का दावा है कि यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। लोगों से अपील की जा रही है कि ऐसे अस्पतालों में अपना इलाज ना कराएं जिनके पास डिग्री नहीं है। ऐसे अस्पतालों की सीधी शिकायत स्वास्थ्य विभाग से करें जिसमें स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई कर सके। इन्हें हॉस्पिटल, चिकित्सालय, चिकित्सक या फिर अस्पताल कहना बेहद गलत होगा। आपके शब्दों और लहजों में ये कुछ भी हो मगर सही मायने में आप इसे कट्टी खाने का नाम दे सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे अस्पताल हैं ना तो इन पर डिग्री है और ना ही इनका स्टाफ प्रशिक्षित है। यहाँ केवल मरीज और तीमारदारों का मोटा तोला लंबा बिल बनाया जाता है, वसूली की जाती है। ऐसे ही लापरवाह चिकित्सक और लोगों की वजह से यहाँ मरीजों की मौत होती है। स्वास्थ्य विभाग ऐसे अस्पतालों पर कड़ी कार्रवाई कर रहा है। कैमरा पर्सन हुशियार और विनीत के साथ प्रशांत कुल श्रेष्ठ न्यूज़।